बॉडी में तीन विटामिन की कमी के कारण पूरे साल फटती है एड़िया। चलिए जानते हैं उसके कारण और उपचार के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल मम्मी एंड बेबी केयर में आपका स्वागत है। पूरे साल आपकी एड़िया फटी रहती है, इसके पीछे का कारण विटामिन की कमी और हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है। आपके शरीर में कुछ विटामिन की कमी हो सकती है, जिससे पूरे साल आपको फटी एड़ियों की परेशानी बनी रह सकती है। फटी एड़ियों की समस्या ज़्यादातर लोगों को सर्दियों में होती है, लेकिन कुछ लोग इस परेशानी से 12 महीने परेशान रहते हैं। आमतौर पर एड़ियाँ फटने का कारण गंदगी और ख़राब स्किन केयर रूटीन हो सकता है, जिसकी वजह से एड़ियाँ फटती है। कुछ लोग की स्किन बहुत ड्राई होती है, जिसकी वजह से भी क्रैक हिल्स की समस्या बनी रहती है। कुछ लोग पूरे साल फटी एड़ियों से परेशान रहते हैं। इस परेशानी से निजात पाने के लिए पैरों में सूज पहनते हैं, हील्स क्रीम भी लगाते हैं, लेकिन इस समस्या से निजात नहीं मिलती। आइए जानते हैं पूरे साल एड़ियाँ फटने का कारण क्या है और इससे किस तरह निजात पाई जा सकती है। एड़ियाँ फटने का कारण, अगर पूरे साल आपकी एड़ियाँ फटी रहती है तो इसके पीछे का कारण विटामिन की कमी और हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है। आपके शरीर में कुछ विटामिन की कमी हो सकती है, जिससे आपको पूरे साल फटी एड़ियों की परेशानी बनी रहती है। खास विटामिन जिसकी वजह से फटती है एड़ियाँ। डॉक्टर्स के मुताबिक जब हमारी त्वचा सूख जाती है और नमी की कमी हो जाती है तो स्किन खुदरी और परतदार बन जाती है। फिसर जो गहरी दरारें पैदा कर सकता है वो स्किन की गहरी परतों में फैल सकती है। इसके पीछे शरीर में कुछ विटामिन की कमी हो सकती है, जैसे कि विटामिन B3, विटामिन C और विटामिन E। एड़िया हार्मोन्स का डिसबैलेंस होने पर भी फटती है। अगर शरीर में विटामिन सी और विटामिन बी की कमी हो तो त्वचा फटने लगती है। वहीं विटामिन ई की कमी से स्किन में दरारें पड़ सकती हैं। अच्छी त्वचा के लिए ये विटामिन बहुत ज़रूरी है। इनसे कोलेजन का उत्पादन बढ़ता है और स्किन को प्रोटेक्शन मिलती है। कई बार स्किन में ड्राइनेस खनिज, जिंक और ओमेगा-3 फैटी एसिड की कमी की वजह से भी ये हो सकता है। कैसे करें फटी एड़ियों का इलाज? एड़ियाँ फटती हैं तो सबसे पहले उन्हें रोज़ साफ़ करने की आदत डालें, फिर स्क्रबर से रगड़कर साफ़ करने से एड़ियों की गंदगी निकल जाएगी। हील्स को मॉइस्चराइज करने के लिए हील्स क्रीम लगाएं और उस पर सिलिकॉन सूज पहने, आपको फटी एड़ियों से राहत मिलेगी। पैरों को 20 मिनट के लिए गुनगुने पानी में भिगो दें। इसके बाद फ्यूमिक स्टोन से एड़ियों को साफ कर लें। खाने में जिंक का सेवन करें, इससे स्वस्थ त्वचा को खरखराव में मदद मिलती है। विटामिन ई कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाले प्रक्रियाओं को धीमा करने में भी मदद करता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।